सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज व्हाट. आपको मिनिमाइज क्या करना है? एक अच्छा प्रोड्यूसर क्या समझेगा हमेशा, क्या मिनिमाइज करे? टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करो. तो फिक्स कॉस्ट तो मिनिमाइज हो ही नहीं सकती, एवरेज टोटल कॉस्ट में फिक्स भी आ जाता है इसलिए वो आंसर ही नहीं है ना. तो और अपना क्या है, एवरेज टोटल, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसको उसको मिनिमाइज करना है, तब वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे पहुंचेगा. एवरेज फिक्स कॉस्ट मिनिमाइज हो ही नहीं सकती, एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर. तो आंसर क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट. नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. इन लॉन्ग रन क्योंकि देर आर नो फिक्स कॉस्ट इसलिए ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये क्वेश्चन में पूछा था, इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड क्या होता है? आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स कॉस्ट में जो आउट नॉन नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, अदर देन एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट को भी तो देखते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मतलब मैं आज मेरे मेरे खुद की जमीन है नहीं होती तो मैं दूसरे से कंपटीशन कर रही हूँ तो भाई वो रेंट पे कर रहा है, मुझे नहीं करना पड़ रहा क्योंकि मेरी खुद की जमीन है. लेकिन यदि नहीं होती तो मुझे भी तो वो पे करना पड़ता. तो उसको एक हेल्दी कंपटीशन के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट में इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट, वाई एवीसी कर्व अप्रोचेस एटीसी कर्व. एवीसी कर्व जो है ये एटीसी कर्व को अप्रोच क्यों करता है? पहली बात पता है क्या होता है, ये यदि ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, चढ़ते जाएंगे तो ये गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बट ये कभी भी मिलेंगे नहीं क्योंकि इन दोनों का गैप जो है ना, वेरिएबल और टोटल का जो गैप होता है ना, फिक्स कॉस्ट होता है, और वो फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों कर्व कभी भी मिलेंगे नहीं. तो आंसर, एज एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स, आउटपुट जब बढ़ता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता है. तो एवीसी कर्व ट्राइज टू अप्रोचेस एटीसी कर्व, बट मिलेगा कभी नहीं, बस ये गैप इन दोनों में पतला होता जाएगा, और दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट है. प्लीज देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, सारे क्लास अटेंड करना यूजफुल होगा तुम्हारे लिए. गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स. आई फॉर इंफीरियर गुड्स रिलेटेड टू आई फॉर इनकम. जो गिफन गुड्स है ना, व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. जब प्राइस इनकी बढ़ती है तो गिफन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, जबकि इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, व्हेन इनकम राइजेस, इंफीरियर गुड्स इज रिलेटेड टू इनकम, व्हेन इनकम राइजेस इनकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. ठीक है, तो दोनों में सबसे पहले डिफरेंस देखो, एक में प्राइस बढ़ती तो उसकी डिमांड बढ़ती है, ऐसा कौन सा गुड है? तो आंसर है गिफन गुड्स. जब इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, इनकम से रिलेट होते ही आंसर होगा इंफीरियर गुड्स. नेक्स्ट, गिफन गुड्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशन इज पॉजिटिव. प्राइस बढ़ी उसकी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ये गिफन गुड्स है. तो रिलेशन एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, पॉजिटिव रिलेशन है. जबकि इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट गई. तो इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशन इज नेगेटिव इन इंफीरियर गुड्स. ठीक है, अब देखो पॉइंट इलास्टिसिटी. ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला था, लोगों को आया नहीं था. पॉइंट इलास्टिसिटी और ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड व्हेन चेंज इन प्राइस इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज. जब बहुत स्मॉल चेंज होता है तो हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे बनाया था, व्हेन द चेंज इज इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, वो तो उन्होंने दिया ही नहीं था, तो लोग ऐसे पूछ रहे थे इनफाइनाइट में स्मिल का मतलब क्या है. तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है वेरी स्मॉल चेंज. तो वेरी स्मॉल चेंज में हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, आंसर है ज्योमेट्रिक मेथड. इन पॉइंट इलास्टिसिटी वी मेजर इलास्टिसिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व. इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पे क्या होगी. तो चेंज जब वेरी स्मॉल होता है, और वेरी स्मॉल को क्या बोला, इनफाइनाइट में स्मॉल. ओके, अभी नेक्स्ट, एक मिनट. हाँ,
नेक्स्ट, व्हेन वी नीड टू फाइंड इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, पूछता है वो दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी ढूंढना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? आंसर इज आर्क मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। व्हेन प्राइस चेंज इज समवॉट लार्जर, देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा, जब लार्जर प्राइस चेंज है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? जब जब इनफाइनाइट में स्मॉल मतलब स्मॉल चेंज है तो ज्योमेट्रिक मेथड, जब लार्ज चेंज है तो कौन सा मेथड? आर्क इलास्टिसिटी मेथड। बन गया क्वेश्चन ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जब चेंज लार्जर है तो विच मेथड विल यू यूज? आर्क इलास्टिसिटी मेथड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए ना यार आर्क इलास्टिसिटी का, Q1 - Q2 अपॉन Q1 + Q2 प्लस P1 + P2 अपॉन P1 - P2। तो देख यहाँ पे देख रहे हो क्या आप, एक क्वेश्चन ऐसा आया था एग्जाम में, जब भी सम सेल वाज मेड प्राइस रिड्यूस फ्रॉम 300 to 200, ज्यादा है ना यार, 300 से 200 यानी कि करीब करीब 1/3 प्राइस रिड्यूस हुई है, बड़ा चेंज है, तो अपने आप समझो कि आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है। एंड डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 3000 to 5000, बड़ा चेंज है, यूज आर्क इलास्टिसिटी टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वैसे भी बड़ा चेंज है तो आर्क इलास्टिसिटी ही लगेगा। तो Q1 - Q2 यदि अपन करें, 5000 - 3000 तो 2000 आ गया, नीचे क्या है Q1 + Q2, 5 + 3 8000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय P1 + P2 500 आ गया, एंड P1 - P2 300 - 200 100 आ गया, तो 10/8 आता है 1.25 आंसर आता है यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी। छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब सारे कंपटीशन के ग्राफ्स देख लेते हैं। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस तो नहीं बोलते, हेटरोजीनियस प्रोडक्ट, सिमिलर है थोड़ा बट फिर भी हम डिफरेंट बता सकते हैं, जैसे ये पे सोप है, ये डव सोप है, ओके okay? ये निविया सोप है, ये लाइफ बाय सोप है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व कैसा है वो उसने ये पूछा है, तो AR और MR क्या आपको दिख रहा है? दोनों ही दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है जस्ट लाइक डिमांड कर्व, बट AR जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर है। प्लीज अब ये ध्यान करो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR फ्लैटर होते हैं, ठीक है, जबकि मोनोपोली में ऐसा ही होता है, AR इज ग्रेटर देन MR बट वो स्टीपर कर्व होता है, AR और MR स्टीप स्टीपली नीचे गिरता है इन केस ऑफ मोनोपोली, जबकि मोनोपोलिस्टिक में AR फ्लैटर है, MR है, पोजीशन वही है, ऊपर MR नीचे, ऊपर AR नीचे MR, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्लैटर। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जब प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में कुछ भी हो, नॉर्मल सुपर नॉर्मल या लॉस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ओलिगोपोली, दो फर्म, फ्यू फर्म्स, फ्यू क्लोज राइवल्स, जब डेफिनेशन में आता है प्रोफेसर स्टिगलर ने क्या बोला है, फ्यू क्लोज राइवल वर्ड कम इन दिस डेफिनेशन, तो आंसर ओलिगोपोली भी ही होगा क्योंकि फ्यू है ना, 2 से 10 फर्म्स ओलिगोपोली में होती है। ओलिगोपोली में किंक्ड डिमांड कर्व होता है एंड MR डिसकंटिन्यूअस होता है, MR कर्व होता ही नहीं है। जैसे अब क्या क्या ओलिगोपोली में आता है ध्यान रखो, कोल्ड ड्रिंक, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, फोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, कोल्ड ड्रिंक, ये सब उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री किसकी है, ऑप्शन में दे दिया, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ढूंढते बैठो। उन्होंने तो लिख दिया था कि कोल्ड ड्रिंक ओलिगोपोली की होती है, अपन को पढ़ना है, ऑटोमोबाइल, कोल्ड ड्रिंक, टेलीकॉम, ध्यान करो ये ओलिगोपोली में होती है ये, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, होमोजीनियस प्रोडक्ट जिसमें होते हैं वो प्योर है, जिसमें हेटरोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर नहीं होती है। इसके बाद जस्ट है ना, यदि मैं बोलती हूँ पार्शियल और फुल ओलिगोपोली, तो एक फर्म यदि प्राइस लीडर है तो
तो वो पार्शियल ओलिगोपोली है, जबकि फुल ओलिगोपोली में ऑल फॉर्म्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड देयर इज नो लीडर, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। पार्शियल ओलिगोपोली वन फॉर्म इज लीडर, तो पार्शियल ओलिगोपोली होगी। कोलिजिव एंड कॉम्पिटेटिव ओलिगोपोली, ये लोग कोऑपरेट करते हैं आपस में, ओके तो कोलिजिव में दे कोऑपरेट, ठीक है, कॉम्पिटेटिव में ऑब्वियसली दे कॉम्पीट। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली में बैरियर टू एंट्री है ही, ओपन है आज। नेक्स्ट, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली भी होती है। अब जरा इसका कर्व देख लो भाई, जहां पे कुछ फॉर्म साथ में आ जाए, दे कोलाइड एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज और साथ में मिलके मोनोपोली जैसे एक्ट करें, तो यदि हम बोलते हैं उन्होंने अपना सिंडिकेट बना लिया या अपना कार्टल बना लिया, तो ये वर्ड ओलिगोपोली में यूज होता है। और डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व वर्ड किसने दिया था? पॉल स्वीजी ने दिया था, ठीक है। तो यदि हम ये ऊपर का पोर्शन देखेंगे तो ईडी इज ग्रेटर देन वन, और ये नीचे का देखेंगे ये स्टीपर है तो लेस देन वन। तो यदि वो पूछता है स्टिकी प्राइस, रिजिड प्राइस कहाँ होती है, तो आंसर ओलिगोपोली है। किंग डिमांड कर्व कहाँ होता है, जो कि पॉल स्वीजी ने दिया था, आंसर ओलिगोपोली है। किंग डिमांड कर्व, ये जो किंग है ना, बेंट है ऐसा, उसके ऊपर ग्रेटर देन वन है इलास्टिसिटी और नीचे स्टीपर है, लेस देन वन है। सब पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ है एग्जाम। अब ये डायग्राम देख लो थोड़ा सा। यदि मैं बोलती हूँ टोटल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन का कर्व कैसा होता है, मैं बताऊँ तुमको, डिमांड कर्व ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये डिमांड कर्व जिसमें प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, परफेक्ट कंपटीशन में ये ऐसा कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। क्यों है ऐसा? क्योंकि चाहे 1 यूनिट बेचो तो भी 10 रुपए में बिकेगा, 10,000 यूनिट बेचो तो भी 10 रुपए में बिकेगा। जब प्राइस चेंज ही नहीं हो रही, सिर्फ क्वांटिटी है, तो कर्व तो हॉरिजॉन्टली हो गया ना। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन होगा जो जीरो से चलेगा। क्यों ऐसा है? 1 यूनिट बेचना है तो भी 10 पे बिक रहा है, और 10,000 यूनिट बेचना है तो भी 10 रुपए पर यूनिट ही बिक रहा है। तो भाई चेंज तो इक्वल है, तो 45 डिग्री लाइन टीआर का कहां बनता है? अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बाकी कोई भी कॉम्पिटिशन होने दो, थोड़ा तो और क्वांटिटी बढ़ा के बेचना है तो वो थोड़ी प्राइसेस घटा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है सिर्फ इस तरह से है ना, 45 डिग्री कर्व सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है, बाकी ऑल अदर कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू ऐसे चढ़ता है फिर गिरता भी है, क्योंकि और बेचना है तो डिस्काउंट दो। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत एग्जाम में आने का चांस होता है ये। तो कॉब डगलस, ये जो डगलस है ना, ये अमेरिकन था, एंड कॉब, CW कॉब है, वो अमेरिका यूएसए से है। तो गिवन बाय पॉल एच डगलस, ही वाज एन अमेरिकन, एंड CW कॉब जो कि अमेरिकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है याद करना है। रिलेटेड टू अमेरिकन यूएस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, उन्होंने जो भी ये फंक्शन बनाया है ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखते हुए बनाया है, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू KL टू द पावर A, C टू द पावर 1 माइनस A। यहाँ पे Q आउटपुट है, फॉर्मूला लर्न करो। L क्या है? क्वांटिटी ऑफ लेबर है। C क्या है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है। कैपिटल मतलब क्या है यहाँ पे? मशीन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेबर तो जो ह्यूमन लेबर काम कर रही है वो। K एंड A आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ये जो K है और A है, ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, इतनी सी बात याद रखो। वो क्या बोलते हैं, 3/4 लेबर है और 1/4 कैपिटल है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, फॉर्मूला प्लीज याद, क्यू इज इक्वल टू के एल, एल टू द पावर ए, सी टू द पावर 1 माइनस ए, जिसमें 3/4 लेबर है 1/4 कैपिटल है। एग्जाम में पूछा हुआ है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर कितनी और कैपिटल कितनी, तो 75% लेबर है 3/4, कैपिटल कितना है 25%, 1/4, ठीक है। कॉब डगलस इज रिलेटेड टू
लॉन्ग रन और रिटर्न्स टू स्केल। वापस बोलती हूँ, रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल, दो चीजें होती है। रिटर्न टू स्केल, स्केल लॉन्ग रन में यूज होता है, एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में यूज होता है। कितनी बार पूछा ये है, इट शोज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखो एग्जाम में भी है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, इट शोज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन में तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट एक कर्व देखो, आइसोक्वांट कर्व। सेम क्वांटिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसोक्वांट के नाम पूछ सकते हैं। आइसोक्वांट कर्व, आइसो कॉस्ट कर्व बजट लाइन जैसा था। आइसोक्वांट कर्व इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। तीन नाम है इसके, तीनों याद होने चाहिए। एक बार इन्होंने ये तीन नाम के अलावा चौथा नाम लिख दिया और ऑड मैन आउट करा दिया। तो आइसोक्वांट कर्व के तीन नाम क्या, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व, ये तीन नाम है। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। पॉइंट ऑन कर्व शोज फैक्टर ऑफ इनपुट्स, बिकॉज यदि आप बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन तो इनपुट तो आउटपुट ही है ना, तो पॉइंट्स ऑन दिस कर्व शोज फैक्टर ऑफ इनपुट्स, ये भी पूछा हुआ है कि यदि आइसोक्वांट कर्व है उस पे जो पॉइंट्स है वो क्या दिखा रहा है, आइसोक्वांट कर्व पे पॉइंट्स क्या है वो क्या दिखा रहा है। तो आंसर है फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोक्वांट कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच गिव द सेम आउटपुट टू द प्रोड्यूसर। अब आइसो कॉस्ट कर्व बजट लाइन जैसा होता है। आइसो कॉस्ट कर्व, लाइन इज इक्वल टू कॉस्ट लाइन और बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट लाइन। तो आइसो कॉस्ट को बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट लाइन भी बोलते हैं। दिस लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स व्हिच द फर्म कैन बाय विथ गिवन एक्सपेंडिचर और आउटले। तो एक एक व्हाट एवर यू कैन बाय विथ सर्टन अमाउंट, तो ये बजट लाइन है जिसको आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं। बजट लाइन है और उस पर वेरियस पॉइंट्स है। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट सेम कॉस्ट, कोई भी पॉइंट है तो कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन, एंड एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट सेम कॉस्ट। लास्ट देख लो, टीयूएम, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। इट कैन बी पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन कट एक्स एक्सिस एंड गो डाउन। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग ही होती है, ठीक है, आफ्टर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है जिसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, इसके बाद एमयू गिरने लग जाता है और टीयू जो है, एमयू नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और टीयू गिरने लग जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एट फर्स्ट यूनिट टीयू और एमयू बोथ आर इक्वल, सेम है, 10 तो 10, टीयू एंड एमयू बोथ आर यूनिट। एज यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर, एमयू तो गिर रहा है, दिख रहा है ना, गिर रहा है, जबकि टीयू स्टार्टिंग में इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे रॉकेट, ऐसे इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, बाद में इंक्रीज हो रहा है बट इस तरह से इंक्रीजेस हो रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद टीयू इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, देन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। जब टीयू हाइएस्ट होता है और एमयू जीरो होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड उसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद टीयू गिरने लग जाता है और एमयू नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम में पूछा है, एमयू एनालिसिस सेज मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, पूछा था व्हाट इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, मनी, एंड किस किस एनालिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन बना, एमयू एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस सेज मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। ठीक है,
अभी देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखो, ये जो तुम्हारा डिमांड कर्व है ना, प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। यदि नॉर्मल प्रॉफिट करना है शॉर्ट रन में तो क्या होगा, ये एसी है जो कि तुम्हारा प्राइस लाइन को टच करके जाएगा एंड यहाँ पर एमसी नीचे से काट के जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट एसी इज टेंजेंट टू ए आर कर्व, ये ए आर है, एसी इसके टेंजेंट है, तो ये कहाँ होता है, ए आर के टेंजेंट एसी जब होता है इसका मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। टी आर इज इक्वल टू टी सी इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो पॉइंट ई जो है ना, ये पॉइंट ई इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट। यदि लॉस हुआ तो, लॉस मतलब कॉस्ट ऊपर और प्राइस नीचे ना, तो मैं बोल रही हूं ये देखो इधर, ये तुम्हारा P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से ऊपर होना चाहिए तभी तो लॉस होगा, तो तुम्हारा एसी कर्व ऊपर आ गया ऐसे। ठीक है, और पता ही है कि एसी के लोएस्ट पे एमसी ऐसे काट के जाएगा, ये नीचे से काटा, तो ये वाला जो रीजन बना ये लॉस का रीजन बना। तो यदि मैं बोल रही हूँ एमसी कर्व ऑलवेज कट्स एसी कर्व एट इट्स मिनिमम, तो ये बात तो सही है ना, एमसी कर्व एसी को सबसे मिनिमम पॉइंट पे काट के जाएगा एंड लॉस कब होगा, जब एसी ज्यादा है एंड प्राइस नीचे, तो अब लॉस का सिचुएशन बनता है। तो जितना भी डायग्राम करा सकती थी कराया है, ऐसा नहीं है कि सारे हो गए, बाकी भी है, बट रिवीजन के लिए इतना अच्छा है। नेक्स्ट एक और क्लास लेके मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज हर चैप्टर को 10-15 मिनट में मैं ब्रीफ करके तुमको दे दूंगी। ओके okay.